पंजवीं पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी। शहीदां दे सरताज श्री गुरु अर्जन देव जी का जन्म 14 अप्रैल 1563 ईस्वी नूं पिता श्री रामदास जी दे घर माता पानी जी दी कुखों गोइंदवाल विखे होया। आप जी दी सुपत्नी माता गंगा देवी जी, सुपुत्री श्री किशन चंद जी पिंड मऊ दे रहण वाले सन। आप जी दे सुपुत्र श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी सन। आप जी नूं गुरता गद्दी धन श्री गुरु रामदास जी ने बख्शिश कीती। आप जी 24 साल 9 महीने 2 दिन गुरता गद्दी ते सुशोभत रहे। आप जी उच्च दर्जे की कविता, राग विद्या, निर्माणता, दूर अंदेशी अते प्रबंधकी गुणा दे मालक सन। पृथ्वी चंद ने श्री गुरु अर्जन देव जी नूं गुरगद्दी मिलण ते सख्त विरोध किया। बादशाह तक झूठियां शिकायतां करके हुकूमत नूं गुरु साहब दे खिलाफ कर दिता। उस वेले जहांगीर बादशाह दी हुकूमत सी। बादशाह दी अपने पुत्र खुसरो नाल अनबन सी। गुरु साहब ते खुसरो दी मदद करन दा आरोप भी लग गया। ऐसे समय दौरान गुरु साहब ने कृपा कीती, आदि ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दी रचना करके गुरु ग्रंथ साहब भाई गुरदास जी तो लिखवाया, जिस विच पहलियां 4 पातशाहियां दी बाणी तो इलावा अपनी बाणी समेत पट्टां भगतां दी बाणी भी दर्ज कीती। गुरु साहब ने लोक भलाई दे कम्मां विच तरन तारण साहब विखे अमृत सरोवर बनवाया, तालाब खूह बोलियां दी सिरजना करवाई, श्री हरिमंदर साहब विच श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश करवाया, चारों दरवाजे 4 वर्णां लई सदा वास्ते खोल दित्ते, रबाबियां नूं दरबार साहब विखे पवित्र बाणी का शब्द कीर्तन करन दी खुल दित्ती। गुरु घर अंदर स्त्री पुरुष सब नाम सिमरण करन अते सुनन दे अधिकारी बनाए। अनेक साखियां गुरु साहब नाल प्रचलित हन। बादशाह ने गुरु साहब नूं लाहौर सद्या। अंतम समा नेड़े आया जान के भाई गुरदास जी अते बाबा बुढ़ा जी नूं गुरु घर का काम सौंप के गुरु हरगोबिंद साहब जी नूं गुरता गद्दी दे के 5 सिखां समेत लाहौर पुज गए। बादशाह ने आप जी नूं लाहौर विखे रावी किनारे तत्ती तवी ते बिठाया, उबलदी देग विच उबालिया, सीस ते तत्ता रेता पवाया। गुरु साहब प्रभु दा पाणा मिठा करके मनदे होए शांत रहे। आप जी ने इशनान दी इच्छा जाहिर कीती। इशनान तो बाद जपजी साहब दा पाठ कीता अते 25 मई 1605 ईस्वी नूं देह त्याग दित्ती अते ज्योति ज्योत समाए।